बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के स्पर्म काउंट और मोटिलिटी के ऊपर बात करने वाली हूँ और ऑरेंज जूस और सनफ्लावर सीड के ऊपर बात करने वाली हूँ। ठीक है, ये दोनों भी चीज़ें एक ही है। कैसे आपको नेचुरली अपने स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इंक्रीज करना है, आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो जो भी लोग स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को लेकर परेशान हैं तो वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगी कि वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स बताने वाली हूं जिसके बिना स्पर्म वर्क ही नहीं करता। अगर आपको आपके स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, वॉल्यूम और काउंट को नेचुरली इंक्रीज करना है तो आपको ये 5 न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या में आपको ये 5 न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा। ये न्यूट्रिएंट्स है जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड फॉलिक एसिड। आप चाहे तो इसको टैबलेट फॉर्म्स में भी ले सकते हैं डॉक्टर की कंसल्ट से, या फिर अगर आप चाहे तो इसको आप खाने के पदार्थ में भी नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि फूड आइटम्स में आप इसको नेचुरली कंज्यूम कर सकते हैं। जिंक में जैसे क्या आता है, बीफ, पम्पकिन एंड स्पिनिच यानी कि पालक। विटामिन सी में आता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियाँ एंड सीट्रेट फूड्स। विटामिन ई में आता है आलमंड एंड चिया सीड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड में आता है फिश ऑयल एंड चिया सीड एंड फॉलिक एसिड में आता है पोटैटोस, बीन्स एंड फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों का नाम मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी दे दिया है और उसकी इमेजेस भी दे दी है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके और भी फूड आइटम्स हैं, अगर आप चाहे तो गूगल पर सर्च करके जिंक रिच फूड, विटामिन सी रिच फूड, विटामिन ई रिच फूड ऐसे करके सर्च करके आप ये सारी फूड आइटम्स को अपने दिनचर्या में ऐड करके नेचुरल फॉर्म में भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जिनका भी स्पर्म काउंट कम होता है उनको अपने दिनचर्या में विटामिन सी और विटामिन ई को तो रेगुलरली लेना ही लेना है। अगर आप चाहे तो उसको नेचुरल फॉर्म में लेने के साथ साथ में सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट से ही लें। विटामिन सी में एसॉर्बिक एसिड होता है और ये जब विटामिन ई के साथ में मिलता है तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो भी इनफर्टाइल मैन होते हैं उनकी जो स्पर्म की रिपोर्ट आती है यानी कि सेमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट का जो लेवल होता है उनका कम होता है, यानी कि इनफर्टाइल जो मैन होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है। तो आपको आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है ज़्यादा करना है यानी कि उसको इम्प्रूव करना है ताकि आपकी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, जो भी तरह की स्पर्म के अंदर डिफेक्ट है उसको ये एंटीऑक्सीडेंट क्योर कर दे और ये नेचुरली हील हो सके। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके स्पर्म्स को हार्म करते हैं ये उनको रिमूव करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहे तो अपने दिनचर्या में एंटीऑक्सीडेंट स्मूथी भी बना के पी सकते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट स्मूथी की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, अगर आप चाहे तो वो वाली भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी ड्रिंक बताऊंगी, तो जिनके भी स्पर्म काउंट, क्वालिटी, मोटिलिटी या वॉल्यूम कम है तो वो लोग इस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिर्फ 1 ग्लास होममेड ऑरेंज जूस लेना है, 1 ग्लास यानी कि 250 ml। ठीक है, यहाँ पे मैं रेशियो भी बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको 1 ग्लास होममेड ऑरेंज जूस लेना है। ठीक है, बाजार में जो मिलता है उसको आप ना खरीदिए क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव होते हैं इसलिए उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी आप होममेड ऑरेंज जूस को ही इस्तेमाल करें क्योंकि वो होममेड होगा तो उसके आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, होममेड ऑरेंज जूस के अंदर आपको 2 बड़े चम्मच सनफ्लावर सीड का पाउडर डाल देना है। ठीक है, सनफ्लावर सीड्स को ले लीजिए आप और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के एक महीन सा पाउडर बना लीजिए। इसको रोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही पीसना है। ठीक है, 2 चम्मच बड़े आपको सनफ्लावर सीड्स के 1 ग्लास ऑरेंज जूस के अंदर मिक्स करके पी जाना है। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट के साथ में भी पी सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी पी सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इसको सुबह में ही पीना है, रात वगैरह में नहीं पीना है।
ये क्या करता है, ये आपको 50 mg विटामिन सी प्रोवाइड करता है एक ग्लास ऑरेंज जूस के अंदर। डेली आपको 65 से लेकर 90 mg विटामिन सी की जरूरत होती है, इसलिए आपको एक ग्लास ही ऑरेंज जूस का कंज्यूम करना है, ठीक है। साथ ही में आप जो 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स के यूज कर रहे हैं, यानी कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसको यूज कर रहे हैं, उसमें आपको हाई अमाउंट में 49% विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन मिलके एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक तैयार हो जाती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठे होंगे कि मैम अगर हमारी बॉडी को 65 से लेकर 90 mg की रिक्वायरमेंट होती है तो 50 mg हमें एक ग्लास ऑरेंज जूस से मिल रहा है, तो बाकी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। बाकी की रिक्वायरमेंट आप जो खाद्य पदार्थ खाएंगे अपनी डेली लाइफ में वो उससे पूरी होगी। जैसे कि मैंने आपको 5 न्यूट्रिएंट्स बताए थे, उसमें विटामिन सी भी था और विटामिन ई भी था, तो बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको स्पर्म क्वालिटी को नेचुरली जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना है तो आप ऑरेंज जूस का ही इस्तेमाल करें। ऑरेंज जूस के अमेजिंग बेनिफिट्स है, जिनके भी अंदर अंडे नहीं बनते, जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर अंडे नहीं बनते, ओवुलेशन नहीं होता, हार्मोन इंबैलेंस होते हैं, तो वो भी ऑरेंज जूस अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको अमेजिंग बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। दोनों भी हस्बैंड और वाइफ भी यूज कर सकते हैं इसको। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि मैम हम ऑरेंज जूस के साथ में सनफ्लावर सीड्स के जो बीज है उसको तो पीस के डाल रहे हैं, तो क्या हम इसके अंदर चिया सीड्स और मक्का रूट डाल सकते हैं क्या। तो मैं आपको बोलूँगी ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मक्का रूट में 65 तरह के हर्ब्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों भी इनफर्टिलिटी को क्योर करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऑरेंज जूस के अंदर मक्का रूट भी ऐड कर सकते हैं और चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों भी ऑप्शनल हैं, लेकिन आपको ऑरेंज जूस के अंदर सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीजों को ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये तीनों भी चीज़ें आप ऐड करते हैं ऑरेंज जूस के अंदर तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रिकॉशन बता देती हूँ, आपको दिन में सिर्फ एक ग्लास ही ऑरेंज जूस का पीना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वीट होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपको एक ग्लास ही इसका कंज्यूम करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।